झटक के चलते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की एक बात है, एक किसान के पास में बहुत सारे जानवर थे जिसमें से एक गधा भी था और वो काफी बूढ़ा था। और वो गधा एक दिन चढ़ते चढ़ते एक कुएं में जाके गिर गया। गिर जाने के बाद में वो चिल्लाया उसने, और चिल्लाने पर वहां के आसपास के लोग जमा हो गए। तो कुएं के पास बहुत सारे लोग जमा हो गए। जमा हो जाने के बाद उनने उस किसान को बुलाया। किसान आया तो उसने सोचा यार गधे को कैसे बचा जाए। तो किसान ने सोचा कि यार ये गधा वैसे ही बूढ़ा हो चुका है, कोई काम का तो है नहीं है, और इसको निकालने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगेगी, बहुत सारा समय जाएगा, तो ये वेस्ट होगा, तो उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, और वैसे भी कुएं का भी कोई यूज नहीं है। पर एक दूसरा आदमी आया, उसने बोला कि नहीं मालिक, इसने आपकी काफी सेवा की है और इसको ऐसे छोड़ के मत जाइए, हम एक काम करते हैं, हम इसको यहीं दफना देते हैं, इस पे मिट्टी डाल देते हैं और यहीं पे इसको दफना देते हैं। किसान भी इस बात से सहमत हो गया कि चलो हम यही काम कर देते हैं, गधे को यहीं पे दफना देते हैं। और ये सारी बातें गधा सुन रहा था। अब गधे को तो एकदम से बहुत बुरा फील हुआ। उसने सोचा यार बताओ मैंने इसके लिए कितना सब अपना पूरा जिंदगी इसके लिए दे दी और ये तो मुझे बचाने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद करना चाहिए। तो उसने तो पहले उसने क्या किया, पहले तो वो चिल्लाया दोस्तों ऑब्वियस है, और चिल्लाकर जो लोग इकट्ठे हुए वो इसलिए क्योंकि जब वो चिल्लाया तो अब वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी लेकर आ रहे हैं और उस गधे के ऊपर डाल रहे हैं। तो जैसी मिट्टी इस गधे पर जाती थी तो गधा उस मिट्टी को झटक देता था और वो उसके आसपास गिर जाती थी और गधा उस मिट्टी के ऊपर आता गया। तो ये देखकर किसान भी समझ गया कि गधा बच सकता है, तो वो भी और मिट्टी डालने लगा। और गधा ऐसे ही करता था, जब जब उस पर मिट्टी आती थी वो झटकता था और मिट्टी उसके नीचे बैठ जाती थी और गधा ऐसे ही ऊपर आता गया, और ऐसे करते करते गधा ऊपर आ गया और गधे की जान बच गई। तो दोस्तों हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, और हमारी जिंदगी में जो मुसीबत आती है वो इस गड्ढे रूपी मुसीबत की तरह होती है। मुख्य दोस्तों मेन सोचने वाली बात ये नहीं है कि जो मुसीबत आती है उसको कैसे निकले, सोचने वाली बात ये है कि आपको मुसीबत आने पर प्रयास जरूर करना है निकलने से, ये सोचिए आप। तो अगर मैं बहुत से लोगों की बात करूं तो जब वो मुसीबत में आ जाते हैं तो वो प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस मुसीबत से निकल नहीं सकते हैं। तो वो ये सोचते भी नहीं है कि यार हम जब निकल ही नहीं सकते तो प्रयास भी करके क्या करेंगे, तो वो कोशिश भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका ऊपर वाला भी रक्षा नहीं करेगा। जैसे कि गधे ने जब तक खुद से झटक कर वो मिट्टी को किनारे नहीं किया, वो समझ गया था क्योंकि ये लोग दफनाने वाले हैं, अगर गधा प्रयास नहीं करता तो मिट्टी उसके ऊपर दबती जाती, पर गधा प्रयास करता रहा और मिट्टी झटक कर नीचे उसके जमीन पर बैठ गई। और ये बात देखकर किसान समझ गया कि ये अपने आप को बचाना चाह रहा है, तो किसान भी उसको बचाने के लिए मिट्टी उस पर डालता गया। दोस्तों ये जिंदगी भी जैसे मैंने बोला इसी तरह है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो वो किसान भगवान की तरह आपको कहीं ना कहीं आपको भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका देगा कि आपको वो निकाले। पर जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मुसीबत में हैं, आप ऐसी मुसीबत में पड़े रहेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप मुसीबत आए तो झटक कर उस मुसीबत को अलग कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ भी आपने सीखा है तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।